तो दोस्तों, मैं आज आपको लेके जा रहा हूँ ममता जलेबी, जो पिथौरागढ़ की एक बहुत ही फेमस जलेबी है। ये हमारे पहाड़ी फोक म्यूजिक और जो भी हमारे पहाड़ी गाने होते हैं, इसमें ममता जलेबी की दुकान का बहुत ज़्यादा जिक्र किया गया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, और मेरे साथ हैं मेरे दोस्त चंदू, आपको लेके चलेंगे ममता जलेबी। ये आज ममता जलेबी में है, ये देख रहे हो बाहर से कितना अच्छा दिख रहा है। वड्डा, यहाँ का जलेबी ममता जलेबी सेंटर, ये काफी बढ़िया फनी अंकल जी। अंकल यस अंकल जी बहुत ज्यादा फनी है, काफी ज्यादा एंटरटेनमेंट कराते हैं अंकल जी। जलेबी तो खिलाते खिलाते हैं, मुंह मीठा कराते हैं। और बाल भी काले, जहाँ इस उम्र में लोगों के बाल झड़ रहे हैं, अंकल के बाल आ ही रहे हैं और काले आ रहे हैं। कितना स्वादिष्ट है ये देखो जलेबी। अंकल जी कितना साल हो गया आपको ये जलेबी बनाते बनाते? 52 साल हो गए। 52 साल में इनको अंकल आई होगी, 72 साल के अंकल हो गए हैं। 52 साल हो गया है इनके साथ। ममता जलेबी काफी प्रसिद्ध है पिथौरागढ़ के बड्डा कस्बे में है। आज हम जलेबी लेंगे अंकल जी का। ये अंकल का विशेष प्यार है कि ये जलेबी तो है, यहाँ है तो ये गरम, लेकिन अंकल जी कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गरम वाला खिलाऊंगा मैं आपको। ये चंदू भाई ने तो एक टेस्ट के लिए निकाल लिया है। कैसा है, कैसा हो रहा है चंदू भाई? हमें बचपन से 10 साल से जब से अकल आई है तब से अंकल की जलेबी खाई है। ये देखो अंकल का प्यार, ये देखो कैसे बना रहे हैं अंकल जी। तब से तो अंकल ने कितनी दुकानें शिफ्ट कर दी है, मैंने सारी दुकानें देखी। ये कलर कलर के लिए क्या डालते हो इसमें? क्या डालते हो? क्या होता है रंग? अच्छा अच्छा ठीक, खाने वाला रंग, खारा वाला रंग होता है ये देखो, खाने वाला रंग। ये अंकल जी ये बनाना शुरू किया अंकल जी ने। वाह ये देखो कितना मजा आ रहा है। इसे कहते हैं जलेबी। देखो कितनी सफाई के साथ अंकल जी बना रहे हैं। यही है पहाड़ का लाइफ स्टाइल। पहाड़ में कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होते हैं, और थोड़ा सा ये है कि सुविधाएं कम है पहाड़ में, लेकिन लोग और चीज़ें ओरिजिनल होते हैं। आग में ये देखो नीचे से ये आग का चूल्हा है, आग जल रखी है ये, आप देख सकते हो बिल्कुल नीचे से आग ऊपर से जलेबी। ममता जलेबी ये बिल्कुल, यहाँ से आप मार्केट का व्यू देख सकते हो। अंकल जी इस तरह से दुकान में बैठे हैं, और ये देखो ये रेडियो है अंकल जी के, इसमें सदाबहार गाने लगे रहते हैं, ये बहुत बढ़िया है। ये जय हो भगवान। अच्छा जो एक ये ना ममता जलेबी करके बहुत सारे गाने लिखे गए हैं और गाए गए हैं, तो वो ममता जलेबी यही वाला ममता जलेबी है? चलो वो यही ममता जलेबी है। अंकल ये डिब्बा भी बिल्कुल ममता जलेबी वाला है। अब हम ज़्यादा तो नहीं, ये अब 100 रुपये का हम जलेबी लेंगे। 70 रुपये की आधा किलो है, 140। कितने रुपए किलो है? 140 हो गया। 140 रुपए किलो, 140 रुपए किलो हो गया। अच्छा अच्छा बिल्कुल चिमटी से स्वच्छता अभियान को का अनुसरण करते हुए। सालों से उल्लू बना रहा हूँ।
अच्छा ये सिंगल प्लास्टिक यूज वाला नहीं है ना, दूसरा ये चलने वाला है ना। ठीक है अंकल, धन्यवाद बहुत बहुत। तो दोस्तों ये मेरा पहला ब्लॉग था और अगले आने वाले वीडियोस में मैं आपको पिथौरागढ़ की बहुत सारी जगह, मंदिर और घूमने वाली जगहों को दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।